तो आज का एक और नया व्लॉग में आप सबका स्वागत। तो ये व्लॉग लास्ट का कंटिन्यूएशन है जहाँ मैंने आपको सोले शूटिंग लोकेशन का रामगढ़ गांव ठाकुर का घर दिखाया था। तो हम वहाँ से निकल रहे हैं, दूसरी लोकेशन में जा रहे हैं। तो वहाँ जाने के लिए आपको वहाँ से निकल के मेन हाईवे पर निकलना है। हाईवे पर निकल के आपको मैसूर बेंगलोर हाईवे में लेफ्ट लेना है और उसके थोड़ा आगे जाना है। तो वहाँ पर जो टेम्पल का जो सीन था वो लोकेशन आपको मिलेगा। तो देखते रहिए अगली लोकेशन। तो वहाँ से निकल के आपको ये रामदेव वाला बैठा तो फिर भी दिखाई देगा। ये कई मामलों में ये हिस्टोरिकल हिल्स है, ये कई मायनों में ये ऐतिहासिक जगह है। और उस हाईवे से निकलकर हमको थोड़ा आगे जाना है, हाईवे को ही पकड़ के जाना है आगे। और थोड़ा आगे जाके ऊपर में ये एक सीन दिखाई दे रहा है, तो हम गाड़ी वहीं पे रोक के यहाँ से हम आगे निकल गए पैदल। तो थोड़ा आगे जाने से ये हिल्स दिखाई देगा। ये हिल्स तो याद होगा, जब गब्बर सिंह का पहली अड्डा दिखाई देता है, जब गब्बर का एंट्री होता है ना, तो ये पहाड़ी दिखाई देता है। ये देखिए फिल्म में वही पहाड़ी है, सिर्फ एंगल अलग सा है, वो दूसरी तरफ से लिया है। तो वहाँ का उस पहाड़ी के नीचे गब्बर सिंह का अड्डा है। ठीक है, तो अभी तो हम वहाँ नहीं जा रहे हैं, एक अलग लोकेशन पर जा रहे हैं। वहाँ से हमको लेफ्ट लेके थोड़ा ऊपर चढ़ने से आपको ये लोकेशन मिल जाएगा। नीचे हाईवे है, बेंगलोर मैसूर हाईवे एक्सप्रेस वे बोलते हैं, तो उसी के बगल में आपको ये लोकेशन मिल जाएगा। ये देखिए ये पत्थर तो याद होगा आप लोगों को, देखते रहिए। बसंती बसंती, मैंने सोचा यूं ही तुम्हें पता ये कि हम तो गांव के रहने वाले हैं, इसलिए हमको तो अकल है नहीं, और तुम हमें बना लोगे उल्लू। तुम बहुत होशियार समझते हो अपने आप, मगर बसंती तुम जैसों को हाथ में बेच कर आएगी। हाँ, अब तुम यहाँ बैठ कर रवा सुनी बसंती के लिए अपने घर। बसंती बसंत सुनो तो।
तो ये देखिए, ये वही पहाड़ी है जिसके नीचे गब्बर सिंह घंटा बनाया गया था। तो ये वही सीन है, मंदिर का सीन, यहीं पे मंदिर बनाया गया था, शंकर जी का मंदिर। हेमा मालिनी पूजा करने आती है और धर्मेंद्र जी मूर्ति के पीछे बैठकर भगवान बनकर हेमा जी से बातें करते हैं। ये वही लोकेशन है। तो ये गब्बर सिंह के अड्डे के बगल से हम निकल गए। तो अब ये अड्डा क्या हो गया, एकदम हाईवे के बगल में बन गया। यूं कहें कि गब्बर सिंह के अड्डे के बगल से हाईवे निकल गया। चट्टान के इसी पहाड़ी के नीचे है गब्बर सिंह का अड्डा। तो इस बार तो हम वहाँ जा नहीं पाए किसी कारणवश। तो अगले बार अगर फिर कभी ऐसे आना हुआ तो ज़रूर जाएंगे। तो उसके नीचे जो पत्थरें दिखाई दे रहे हैं वो सब गब्बर सिंह के अड्डे के अगल बगल में जो पत्थरें थी वही दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये ब्लॉग पसंद आया, ये लोकेशन आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए। और अगली बार फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए एज ऑलवेज बी हैप्पी, स्टे हैप्पी, गुड नाइट, शुभ रात्रि, धन्यवाद।